बजाज के विक्रांत है, इसका इस जगह पे ऑयल लीकेज कर रही थी, यहाँ से ऑयल बाहर आ रहा था। तो अक्सर मैं विक्रांत गाड़ियों में देखता हूँ कि इसी जगह से ऑयल लीकेज करता है, ब्लॉक का पैकिंग जो होता है इस जगह से यहाँ लीकेज करने लगता है। उसका कारण ये होता है कि इस जगह पे जो ऑयल पंप है यहाँ से ऑयल ऊपर जाता है, तो इस जगह पर प्रेशर से ऑयल फेंकता है, इस कारण यहाँ पर अक्सर हम देखते हैं कि यहाँ का पैकिंग कट जाती है। तो अगर आपका यहाँ का पैकिंग कट जाए तो आप दोबारा से न्यू पैकिंग लगा लें, वो फिर से नहीं होगा, क्योंकि जो कंपनी पैकिंग देती है वो पतला पैकिंग देती है, बहुत पतला पैकिंग होता है। तो आप उसमें दोबारा चेंज करवा लेंगे तो ये प्रॉब्लम दूसरा बार नहीं होगा। ये विक्रांत है, ये खुली हुई है, इसमें ऑयल लीकेज का ही प्रॉब्लम था, तो मैं इसमें ये पैकिंग नया डाल रहा हूँ और इसमें एक प्रॉब्लम हो गया है, इसका जो यहाँ का एलंकी बोल्ट है ये खुला नहीं, इस कारण मैं इसका टाइमिंग चेन नहीं खोल पा रहा हूँ, तो बिना खोले हुए मुझे ये लगाना पड़ रहा है। इसके लिए मैं हल्का से यहाँ पर पैकिंग को कट किया हूँ और मैं इसे फिटिंग करूँगा। चूँकि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो मैं इसे वेल्डिंग करके खुलवा भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि वेल्डिंग दुकान सारी बंद है। तो मैं यहाँ पर कट कर इस पैकिंग को लगा रहा हूँ और इसे मैं फिटिंग कर दूँगा। और यहाँ पर थोड़ा सा बोन्ड लगा दिया हूँ जहाँ पर कट किया था मैंने, और इसे मैं टाइट कर दूँगा तो ये लीकेज नहीं करेगी, क्योंकि मैंने उस जगह पर बोन्ड लगा दिया है। और चलिए मैं इसे फिटिंग कर लेता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका पैकिंग कैसे चेंज करते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग हेड और ब्लॉक खोल के चेंज करते हैं, तो ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसका जो पुराना पैकिंग उसे निकालने में हमें बहुत दिक्कत हुआ, क्योंकि ये पूरा खुला नहीं, अब इसे खोलने के लिए हमें पूरा ये खुलवाना पड़ता, तो मैंने खुलवाया नहीं क्योंकि सारा दुकान बंद है, मैं घर पर हूँ, घर पर काम कर रहा हूँ। तो चलिए मैं इसे फिटिंग कर लेता हूँ।